क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब 2017 में इलेक्शन में भाजपा उतरी थी तो लोगों को उनसे ये उम्मीद थी कि वो विकास को तरजीह देंगे और जो पुरानी सरकारों ने गलतियां की हैं उन सरकारों की गलतियों को वो सुधारने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता मायूस हुई है। जो राशन बांटा जा रहा है, जनता राशन फ्री का नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि उनको रोजगार मिले, उनको अपना काम करने का अवसर मिले, ना कि फ्री का खाने से उन लोगों का आगे भविष्य कुछ सिक्योर नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, सिधौली ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों की जो एक समस्या है, जो पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन चला और उसमें जिस तरह का असंवेदनशील रुख अख्तियार किया सरकार ने, जिस प्रकार से किसान नेताओं को और किसानों को गाली दी गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अभी भी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मतभेद रखता है उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उनको गाली दी जाती है, उनको देशद्रोही बताया जाता है, इन सब चीज़ों से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। और मेरे विचार से कि जो भी नई सरकार आएगी वो शायद इस प्रकार की भूल करने से बचेगी और जनता के मुद्दों पर बात करने का काम करेगी।